Assalamu alaikum, this is Meena Rais. Welcome to my channel Cooking with Meena Rais. Hope you all are fine, safe and healthy. दिसंबर का महीना हो, सर्दियों के दिन हो और हमारे खानों में, दावतों में मीठा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब बात आती है सर्दियों में मीठा बनाने की, तो गाजर का हलवा टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूँ। आप लोगों की फरमाइश भी थी कि गाजर का हलवा की रेसिपी शेयर करें, तो इसलिए मज़ेदार सा गाजर का हलवा मेरे उन फ्रेंड्स के नाम। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। आई होप रेसिपी पसंद आएगी। थम्स अप दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए जना, आप चलते हैं रेसिपी की जाने। अल्लाह के बाबरकत नाम से रेसिपी का आगाज करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 2 किलो गाजर ली है। उसे हमने अच्छी तरह से पील किया, पील करने के बाद वॉश किया, वॉश करने के बाद ड्राई किया, ड्राई करने के बाद ग्रेटर की मदद से इसे हमने ग्रेट कर लिया है। अब ग्रेट करने के बाद हमने इसे पॉट में ट्रांसफ़र किया है और मीडियम फ्लेम अभी हमने रखी है फ़िलहाल। अब हम इसके अंदर 1 लीटर के करीब मिल्क ऐड कर रहे हैं। अच्छा, मिल्क में थोड़ी सी बलाई थी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। चमचे की मदद से अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और गैस फ्लेम अब हम हाई करेंगे। हाई कर हमने इतनी देर हाई फ्लेम पर इसे पकाना है कि इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। अब बॉयल आने के बाद फिर मीडियम फ्लेम पर कवर करके हम इसे रख देंगे पकने के लिए। अच्छा देखिए, मिल्क हमने इसके अंदर ऐड करना है। मिल्क हमने ऐसा ऐड करना है कि गाजर और मिल्क का जो लेवल है ना, वो बराबर होना चाहिए। आपने इस बात का ख्याल रखना है। अभी नीचे है, जैसे बॉयल आएगा तो थोड़ा सा मिल्क फिर ऊपर आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। गैस फ्लेम थोड़ी हाई करते हैं ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। आप देखिए चारों साइड से अच्छी तरह से ये पक रहा है और इसका लेवल भी चेक करें आप। गाजर और मिल्क का लेवल बिल्कुल बराबर है। ऐसा नहीं है कि गाजर ऊपर है, मिल्क नीचे है, या मिल्क ऊपर है, गाजर नीचे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हमने इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर इतनी देर पकाना है कि गाजर हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। तकरीबन कम से कम भी आपने 20 से 25 मिनट तक पकाना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि मिल्क जो है, क्योंकि हमने कवर कर दिया है तो मिल्क बाहर आ सकता है, तो 1-2 बार आप ढक्कन हटा के इसे अप डाउन कर दीजिएगा, ऊपर नीचे कर दीजिएगा चमचे की मदद से। चलें जी देखते हैं। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स हो गए हैं पकते हुए। बीच में हमने 1-2 मरतबा चमचा चलाया है, इसको उलट पुलट किया है, कंप्लीट छोड़ नहीं दिया था इसी तरह से। ज़बरदस्त माशाल्लाह, अभी तो कुछ लवाजमत इसमें ऐड भी नहीं हुआ, अभी से इतनी अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। और देखें तकरीबन तकरीबन जितना भी इसमें मिल्क था वो ड्राई हो गया है। थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी आगे जाके हम उसे ड्राई कर देंगे, खुश कर देंगे। और गाजर भी हमारी अच्छी खासी टेंडर हो गई है। अच्छा, अभी इस पॉइंट पर हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। मैं इसके अंदर 200 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कम ज़्यादा टेस्ट अकॉर्डिंग अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है हमने और एक बार फिर कवर करके हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। आधी प्याली हमने पैन के अंदर, आप बटर ले लें या असली घी ले लें, वो ऐड किया है। अच्छा, वो जैसे ही मेल्ट हुआ है हम उसके अंदर खोया ऐड करेंगे, जिसको मावा भी कहा जाता है। ये इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, जितना आपका दिल करे, जितना आपको पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 300 ग्राम्स खोया लिया है। अच्छी तरह से इसको स्पैचुला की मदद से मैश करेंगे और हम इसे भून लेंगे। बिल्कुल गैस फ्लेम हमने इस वक्त स्लो कर दी है, स्लो फ्लेम पर हमने इसको भून लेना। अगर हम थोड़ी हाई फ्लेम करेंगे तो उसका जलने का ख़तरा होता है, इसका कलर भी चेंज होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए मीडियम से भी कम फ्लेम पर हमने इसे अच्छा सा भून लेना है। चलें जी देखें, चीनी का पानी भी अच्छा खासा इसके अंदर से डिज़ोल्व हो चुका है। अच्छा, अब हमने इस पॉइंट पर ऐड करना है जो हमने मेवा भून, सॉरी मेवा नहीं, खोया, खोया मावा जो हमने भून के रखा था वो हम ऐड करेंगे, सारा ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें मावे की, खोए की कोई क्वांटिटी नहीं है, घी की, ऑयल की या बटर की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना आपको पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब साथ ही हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें साबुत भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें पाउडर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कंटिन्यू चमचा चलाते रहेंगे। अच्छा, अब आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे मीडियम फ्लेम पर इसे भूनें, आप चाहे इसे हाई फ्लेम कर दें उस पर भूनें। हमने बस अब जो करनी है हलवे की भुनाई करनी है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। हलवा हमारा बस अब एंडिंग पर है। 4 से 5 मिनट हमने मज़ीद इसको और भूनना है और ये कंप्लीट डन हो जाएगा और ये शाइन करने लगेगा। इसकी भी पहचान है कि हलवा हमारा भुनाई पे आ गया है और जिसमें हमने बटर या घी जो भी आप इसमें ऐड करेंगे वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, शाइन करेगा, ऊपर नज़र आएगा। और दूसरी बात, ये जो हल्के हल्के से अभी इसके अंदर बबल्स हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप समझ जाएं कि हलवा हमारा बिल्कुल भुन रहा है। और देखें, नीचे बिल्कुल भी नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि ये इस वजह से है कि हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहा है, हाथ नहीं रोका है हमने इसका। अगर जहाँ भी हम हाथ रोक देंगे, आप फ्लेम हाई करके भी भून सकते हैं, बस ये कि आपने हाथ नहीं रोकना। जहाँ हाथ रोकेंगे ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हमको नट्स ऐड करेंगे। अच्छा, नट जो आपको पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पिस्ते लिए हैं, नारियल लिया है, बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने पानी में सॉक कर दिया था, इसके स्किन रिमूव कर दी और सेंटर में से 2 पीस कर दिए। किशमिश लिए, इसकी भी कोई क्वांटिटी नहीं है। जितने आपको पसंद हो, जितने आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से चमचा चलाएंगे और 2 से 3 मिनट हमने इसे मज़ीद भूनना है, उसके बाद हमारा हलवा रेडी टू ईट है। देखिए, हलवा कंप्लीट हमारा इस वक्त डन हो चुका है। ये आप देखें, लास्ट में देखें आप, ऑयल भी इसका सेपरेट नज़र आ रहा है और इसका ये देखें, स्पून पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, बबल्स से आपको नज़र आ रहे हैं। इसका आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है, माशाल्लाह से बिल्कुल ये डन हो चुका है। अब लास्ट में हम 2 से 3 ड्रॉप्स रोज़ वाटर के ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू इन्हांस हो जाती है इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये हलवा हमारा रेडी टू ईट है। अब आपका जैसा दिल चाहे आप इसे सर्व करें, आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सर्व करें, आप इसे दावतों में खाएं, लंच में, ब्रेक में, या चाहे आप इसे हाई टी में सर्व करें, जैसा आपका दिल चाहे आप इसे सर्व करें। मुझे दुआ में याद रखें। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमारा पूरा किचन इस वक्त महक रहा है माशाल्लाह से। और जिन लोगों की फरमाइश पर मैंने आज ये हलवे की रेसिपी शेयर की है, काश वो लोग होते हो मैं उन्हें टेस्ट करवा सकती, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें ये रेसिपी पसंद आएगी और ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिए करेंगे, मुझे फीडबैक लाजमी देंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।